प्रियंका गांधी वाड्रा संसद में आई और बतौर एमपी आई, कई बार आज संसद में आई है भाषण सुनने के लिए, और ट्रेडिशनल जो पारंपरिक साड़ी होती है केरला की, उसका प्रतिनिधित्व भी कर रही थी। शशि साहब क्या कहेंगे, एक काफी बड़ा मील का पत्थर उनके लिए पर्सनली? देखिए, पहली बात यह है कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो उनके लिए प्रचार किया था, बहुत अच्छी उम्मीदवार थी, अच्छी तरह प्रचार की उसने, और अभी चुनाव जीत के आई है बहुत बड़ी मेजोरिटी के साथ, 4.5 लाख वोट के साथ आई है, तो उनका हक है अभी जनता के लिए बोलने का हक, क्योंकि इतना वोट लेके आई है। मेरे ख्याल में वायनाड की आवाज, केरला की आवाज और बुलंद हो जाएगी हमारे पार्लियामेंट के भीतर। और ये भी मत भूल जाइए कि केरला से इतने ज्यादा एमपी नहीं है जो हिंदी में इतने अच्छी तरह बोल सके पार्लियामेंट के अंदर। तो मेरे ख्याल में अगर प्रियंका जी आके हमारे मुद्दों पर हिंदी में अच्छे भाषण दे दिए, तो ये केरला के लिए भी अच्छा है, हमारी मजबूती ज्यादा बढ़ जाए। इंदिरा गांधी का अक्स जनता देखती है प्रियंका में, तो एक तरीके से आपको लगता है कि उम्मीदों का जो पिटारा होगा जनता काफी गौर से देख रही होगी, और संसद की पॉलिटिक्स अलग होती है, 24 घंटे आप मीडिया के ग्लेयर में होते हैं। देखिए, जब कामयाब लोग आते हैं पार्लियामेंट के, तो जनता के लिए अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, तो मैं खुश हूँ कि वे आई है। देखते हैं, अभी उनको मौका दे दीजिए परफॉर्म करने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। जाहिर तौर पर सांसद शशि थरूर, जो खुद भी केरल से आते हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं कि उनके राज्य की आवाज प्रियंका गांधी खासतौर से हिंदी में परांगत है, तो हिंदी में भी बुलंद करेंगी। राहुल गौतम के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।